एसडीएम पत्नी ने जब से दिया है सफाई कर्मी पति को धोखा, देश भर में पतियों को लग गया डर, छुड़वाने लगे पत्नियों की पढ़ाई। बिहार में पति ने छुड़वा दिया पत्नी की पढ़ाई, पत्नी भी कहां थी कम, पहुंच गई थाने। फिर जो हुआ, पुलिस ने भी पकड़ लिया माथा, एक के बाद एक 136 महिलाओं की पढ़ाई छुड़ाने की आ गई खबर। पतियों को डरा देख महिला मोर्चा की मंत्री ने एसडीएम के पति को ही बता दिया सनकी। जब से मोरिया और आलोक मोरिया की खबर ट्रेंडिंग पर आई है, देश भर के पतियों में एक अजीब घबराहट होने लगी है। आज तक जो पति आदर से सोचकर नए युग के पति की भूमिका में थे, अपनी पत्नियों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन अब अचानक से माहौल बदलने लगा है, अचानक पति घबराने लगे हैं। असल में इन दिनों देश में एक मामला सुर्खियां बटोर रहा है। ये मामला है एसडीएम प्रज्ञा मौर्य, उनके पति आलोक मौर्य से जुड़ा हुआ। आलोक ने प्रज्ञा को लेकर कहा कि उन्होंने पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाया, लेकिन एसडीएम बनते ही प्रज्ञा बदलने लगी, उसका दूसरे मर्द के साथ संबंध बना। सीधा सीधा इल्जाम था कि एसडीएम बनते ही प्रज्ञा ने आलोक को धोखा दे दिया। इधर प्रज्ञा ने कहा पति आलोक ने उनसे झूठ बोला है और झूठ बोलकर शादी की है। खैर, ये मामला आलोक और प्रज्ञा का निजी मामला है, इसमें कौन सही कौन गलत ये कहा नहीं जा सकता, पर इस मामले का असर अब देश में दिखने लगा है, क्योंकि देश भर के पति में एक अजीब सी घबराहट हो गई है। अब इसका असर बिहार में दिखा है, जब एक पति ने पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी है, पर पति भी कहां कम है, वो सीधे थाने पहुंच गई। मामला बक्सर का है, जहां एक पति ने अपने पत्नी की पढ़ाई पर रोक लगा दी, उसे शक हो गया कि पत्नी उसे भी ज्योति मौर्य की तरह धोखा दे देगी। महिला कहती है यूपी की ज्योति मौर्य की खबर सुनने के बाद अचानक उसके पति ने पढ़ाई रुकवा दी। इसके बाद महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराया। महिला ने कहा वो पढ़ाई जारी रखना चाहती है, लेकिन पति अचानक पढ़ाई रुकवा रहे हैं। बता दें, महिला बीपीएससी की तैयारी कर रही है और अब उसकी पढ़ाई बीच में रोकी जा रही है। जब महिला की शादी हुई तब उसने सिर्फ इंटर पास किया था, शादी के बाद उसने ग्रेजुएशन किया, फिर बीपीएससी की तैयारी में लग गई। महिला का एक बार बीपीएससी 7-8 नंबर से चूक गया था, तब उसके पति ने ही उसकी हिम्मत बढ़ाई और पढ़ाई जारी रखने पर पूरा सहयोग किया। लेकिन जब पति ने यूपी की महिला अधिकारी ज्योति मौर्य की खबर देखी, वो डर गया और पत्नी से पढ़ाई छोड़ने को कह रहा है। महिला इसे लेकर थाने पहुंच गई है, जहां पुलिस ने पति और पत्नी दोनों को समझाकर घर भेज दिया है। इधर खबर आई कि 136 महिलाओं की पढ़ाई छुड़वा दी गई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है। इसमें बक्सर का एक मामला सत्य पाया गया, पर बता दें पति का कहना है वो आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई बीच में रुकवा रहा है। वही महिला मोर्चा की मंत्रियों ने कहा है कि आलोक और प्रज्ञा का मामला घर के अंदर रहना चाहिए, आलोक ने इसे जगजाहिर कर अच्छा नहीं किया, इससे उनके ही बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। आपके शहर गोड्डा में खुल गया है आर्मी कैंटीन, मगर सिर्फ आर्मी के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी। तो अब सिर्फ सुनना नहीं है, जाकर खरीदना है। 20 से लेकर 60% तक मिल रही है छूट। आर्मी कैंटीन में मिलता है सस्ता सामान, वॉशिंग मशीन से लेकर शैम्पू और तेल तक आप खरीद सकेंगे एक्स आर्मी कैंटीन में। सस्ता नहीं, बहुत सस्ता सामान, तो क्यों करना देरी। खरीदना है सामान तो क्यों ना खरीदें सस्ते में अच्छा सामान। यात्रा के लिए चाहिए ट्रॉली बैग और घर के लिए चाहिए राशन, तो पहुंच जाइए सरकंडा चौक के एक्स आर्मी कैंटीन में। हमारा पता है नियर सरकंडा चौक, पथरा रोड, गोड्डा।